तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने सिम का नंबर अपने फ़ोन में कैसे ला सकते हैं। अभी हो क्या रहा है कि जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं और उसमें अपने सिम को डालते हैं तो सिम में जो भी नंबर सेव होते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, वो कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में शो करते ही नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि वो नंबर को आप अपने फ़ोन में कैसे ला सकते हैं। तो आप इस वीडियो में इन तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन विश्वकर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है टेचार के इस नए वीडियो में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट। उससे पहले कि अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन ऐप को ओपन करना होगा, जहाँ से आप डायरेक्ट कॉल लगाते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कॉल लगाते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है इम्पोर्ट, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे अभी तो इम्पोर्ट का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए फिर हम बैक आएंगे और फिर आपको एक दूसरे एप्लीकेशन में जाना है, जो कि आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, वो आपके फ़ोन में ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको चलना है गूगल कॉन्टैक्ट। हाँ, तो यहाँ देखिए, मेरा यहाँ पे है गूगल कॉन्टैक्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें आपका अगर ईमेल लॉगिन नहीं होगा तो आप ईमेल लॉगिन कर लें, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ईमेल लॉगिन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है, इस पर। इसके बाद यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको देखिए नीचे आ गया ऑप्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ इम्पोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आप वहाँ भी कर सकते हैं जो आप फ़ोन ओपन किए थे, वहाँ अगर इम्पोर्ट का ऑप्शन आया था तो जस्ट जैसे आप इसके बाद यहाँ प्रोसेस जो भी फॉलो करेंगे वो चीज़ वहाँ आप कर सकते थे, ठीक है। तो इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं। जिस सिम में आपका नंबर होगा, जैसे सिम 1 में जो भी नंबर है उसको पहले हम दिखाते हैं आपको फ़ोन में इम्पोर्ट करके, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ देखिए, जो जो टिक लगा हुआ है, ये वाला ब्लू टिक है, ये वाला नंबर मेरे फ़ोन में नहीं है, ये फ़ोन में हम यहाँ से चेकअप करके टिक करके और इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है ऐसे इस तरह का, जिस पे कि टिक नहीं होगा, तो ये सफ़ेद टाइप हो गया है, तो ये मेरा ऑलरेडी उसमें फ़ोन में चला गया है, इम्पोर्ट कर लिए हैं, ठीक है। और ये सब जो नंबर है ये सब नहीं है, ये सिम में ही है। तो इसके बाद यहाँ पे टिक करने के बाद जो जो नंबर को आप चाहते हैं वो सारे पे टिक कर लीजिए, वैसे अपने आप हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे को इसके बाद टिक करने के बाद यहाँ इम्पोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नंबर जो है वो आ जाएगा। अब आप फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा नंबर यहाँ से आ गया, ठीक है। जैसा कि आप देखें अभी कि उसमें कोई भी एक भी टिक करने ब्लू टिक नहीं लगा था, और आप किसी में भी ब्लू टिक नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो सफ़ेद टाइप पे हो गया था, वो सारा नंबर आ गया है, ठीक है। आप फ़ोन में चेक कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा और है, एक बात आपको बता दूं कि ये जो भी नंबर इम्पोर्ट हुआ, जो भी नंबर आपका आया, वो आपके जो ईमेल लॉगिन है ना, वो ईमेल में आया। तो ये जो मेरा नंबर ईमेल लॉगिन है, ये अगर हम चाहते हैं कि ये ईमेल को किसी और दूसरे फ़ोन में अगर लॉगिन करें, तो जितने भी कॉन्टैक्ट इस ईमेल में इम्पोर्ट हुए हैं, वो सारे के सारे नंबर, उस सारे कॉन्टैक्ट वो वाले फ़ोन में भी हम देख सकते हैं। तो आप इसी तरह से अपने सिम का नंबर अपने फ़ोन में ला सकते हैं और ईमेल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।